सुप्रभात। मैं कक्षा 7वीं से रिधान तिवारी आज आपको बताऊंगा विशेषण क्या होते हैं। विशेषण उन शब्दों को कहा जाता है जिनके द्वारा संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताई जाती है। संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता विशेषण के द्वारा बताई जाती है, उन्हें विशेषज्ञ बोलते हैं। विशेषण के चार भेद होते हैं, गुणवाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण और संकेतवाचक विशेषण। गुणवाचक विशेषण, गुणवाचक विशेषण उन शब्दों को कहा जाता है जिनके द्वारा किसी भी संज्ञा या सर्वनाम का रूप, रंग, आकार, प्रकार आदि का बोध प्रकट करा जाता है। परिमाणवाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण उन शब्दों को कहा जाता है जिनके द्वारा संज्ञा या सर्वनाम की निश्चित व अनिश्चित मात्रा का बोध कराया जाता है। परिमाणवाचक के दो उपभेद होते हैं, निश्चित व अनिश्चित परिमाणवाचक। निश्चित परिमाणवाचक उन शब्दों को कहा जाता है जिनके द्वारा संज्ञा या सर्वनाम की निश्चित मात्रा का बोध कराया जाता है। जैसे कुछ किलो, 3 किलो चावल ले आओ, इसमें 3 किलो एक निश्चित संख्या परिमाण बताया जा रहा है, इसलिए ये निश्चित परिमाणवाचक। निश्चित परिमाणवाचक, अनिश्चित परिमाणवाचक उन शब्दों को कहा जाता है जिनमें संज्ञा या सर्वनाम की अनिश्चित मात्रा बताई जाती है। जैसे कुछ किलो चावल ले आओ, इसमें कुछ किलो अनिश्चित मात्रा है, इसलिए अनिश्चित परिमाणवाचक है। संख्यावाचक विशेषण किसी संज्ञा या सर्वनाम की निश्चित व अनिश्चित संख्या बताते हैं। संख्यावाचक के दो उपभेद होते हैं, निश्चित व अनिश्चित संख्या। निश्चित संख्यावाचक उन शब्दों को कहा जाता है जो संज्ञा या सर्वनाम की निश्चित संख्या का बोध कराते हैं। जैसे एक लड़का खेलने जा रहा है, उसमें एक लड़का बताया जा रहा है, यानी कि निश्चित संख्या है। अनिश्चित संख्यावाचक में वो संज्ञा या सर्वनाम का अनिश्चित बोध कराते हैं। जैसे कुछ लड़के खेलने जा रहे हैं, इसमें कुछ एक अनिश्चित संख्या है। सार्वनामिक विशेषण, सार्वनामिक विशेषण उन शब्दों को कहा जाता है जिसमें सर्वनाम को विशेषण की तरह उपयोग करा जाता है। जैसे वह इमारत बहुत ऊंची है, इसमें वह सर्वनाम भी है और विशेषण भी है, इसलिए सार्वनामिक विशेषण है। धन्यवाद।